स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट साइंस, और चैप्टर 9, दैट इज रनिंग ऑन सोर्सेस ऑफ वाटर। हमने सोर्सेस ऑफ वाटर देखा था, हमने विलेज में कौन कौन से सोर्सेज हैं, सिटीज के अंदर क्या है, आजकल तो टैप वाटर सब बन गए हैं, उसके बारे में डिस्कस की थी। अब थोड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड या रेन वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा टॉपिक है। देखिए, पिक्चर से भी बना हुआ आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन राजस्थान, किंग्स रूलर एंड द पब्लिक रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जो राजा वाजा का शासन था उसमें किंग्स की रूलिंग थी, उन्होंने और पब्लिक ने, लोगों ने भी रियलाइज किया, उन्होंने महसूस किया कि पानी का बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी बहुत जरूरी है। एंड टुगेदर डेवलप द एनरिच सिस्टम फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। और इन्होंने साथ में, टुगेदर का मीन्स क्या होता है, साथ में डेवलप किया एक एनरिच, बहुत ही बढ़िया एनरिच हो, मतलब संपूर्ण पूर्ण रूप से भरपूर हो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वाटर कंजर्व हो सके, वाटर का संरक्षण हो सके, वाटर को बचा के रख सके हम। ठीक है। इन विच मोर देन वन पॉन्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू कैनाल्स। इसके अंदर क्या होगा, एक पॉन्ड बहुत सारी कैनाल से कनेक्टेड था, कैनाल से आपस में कनेक्टेड था। पॉन्ड कोई तालाब है, वो कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था किससे, आपके कैनाल से। कैनाल बोलते हैं नहर आती है उनसे। वेन द पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ रेन वाटर वन बाय वन, देन आफ्टर द वाटर ओवरफ्लोज आउट फ्रॉम दैट एरिया। जैसे ही आपका पॉन्ड्स वन बाय वन रेन वाटर से भर जाता है तो उसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, फिर वो आगे चला जाता है। इन द सेम वे द रेन वाटर इज कंजर्व्ड इन आवर हाउस होल्ड आल्सो। और इसी सेम वे के अंदर आपका घर के अंदर भी हाउस होल्ड वाटर भी होता है। जैसे देखिए, ये इस टाइप का रूप से बारिश हो रही है, तो ये देखिए पाइपलाइंस कनेक्टेड है, यहाँ पानी गिरेगा वो सब इसमें आएगा, यहाँ से कलेक्ट होकर इसमें जाएगा चैम्बर्स में, फिर यहाँ से कलेक्ट होके एक आपका कोई टैंक बना हुआ हो या अंडरग्राउंड टैंक हो, उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर सीमेंटेड नहीं है, अगर ग्राउंडेड में टैंक है, तो वहाँ से ग्राउंड वाटर लेवल भी पानी का बढ़ सकता है। कैसे, कि वो पानी पूरा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्राउंड के द्वारा और बिल्कुल ग्राउंड में चला जाएगा आराम से पानी की, ठीक है। वो भी पॉसिबली कर सकते हैं, जो गांव में जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है। सिटीज़ के अंदर अपने जो टैंक होते हैं सीमेंटेड टैंक, उसमें वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बारिश के सीजन्स के अंदर जो आप ये पूरा टैंक फिलअप रहता है, थ्रू आउट द ईयर यूज़ होता है पानी का। सब घर वाले करेंगे तो सबको पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे भी पोर्टेबल वाटर, जो डोमेस्टिक वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है अर्थ पर, इसलिए हमें वाटर का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसका सस्टेनेबली मतलब अच्छे से सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि पानी का वेस्टेज नहीं हो। खारा पानी तो बहुत है, लेकिन खारा पानी से कपड़े नहीं धो सकते, आप बर्तन नहीं धो सकते, पी नहीं सकते, इसलिए वाटर का अच्छे से यूज़ करना है। फिर इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो अभी क्लास वर्क में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द ड्रेन्स कैनाल्स दैट आर कनेक्टेड इन द वे ऑफ द फ्लो ऑफ रेन वाटर ब्लॉक्ड। जैसे आपके जो कैनाल कनेक्टेड थी पॉन्ड से, अगर से ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी तो पानी उसमें नहीं जाएगा, ठीक है, वो पानी वेस्टेज होगा, इधर उधर जाएगा, ठीक है, सीवेज लाइन से मिल सकता है, पानी गंदगी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर और ख़राब है, क्योंकि जहाँ जाके इकट्ठा होगा वहीं पे ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पे उसका मिसयूज होगा, ठीक है, फैलेगा। तो एक पर्टिकुलर प्लेस है कि आपका टैंक में वाटर स्टोर होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी जगह स्टोर होगा तो खराब ही। इज देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम इन योर नियर बाई एरिया। क्या आपके भी एरिया के पास में कोई बड़ा पॉन्ड या डैम है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली होगा, पॉन्ड तो रहते ही मोस्टली। अब वो वाटर यूज़ का ये नहीं है, वो डिपेंड करता है वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ पे सीवेज तो नहीं आ रहा है, सीवेज लाइन का पाइपलाइंस तो लीकेज नहीं है, या सीवेज लाइंस वहाँ पे जाके थ्रोट तो नहीं हो रही, मतलब वहीं लग के खाली तो नहीं हो रही सीवेज लाइंस, या कोई डंपिंग यार्ड तो नहीं बना हुआ, पूरा कचरा वचरा डालते हैं वहाँ पर, इसलिए, ठीक है। हाउ मेनी पॉन्ड्स कैनाल्स आर कनेक्टेड टू इट, तो ये पूछ रहा है आपके यहाँ, तो कितनी पॉन्ड कैनाल कनेक्टेड है। तो अपने एरिया में तो ये चीज़ें नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर कोई पॉन्ड है, पॉन्ड होगा लेकिन, पॉन्ड भी है अपने यहाँ पर लेकिन वो अच्छा नहीं है, पानी उसका अच्छा नहीं, सब गंदा पानी आता है उसके अंदर, ठीक है। इन विच मंथ ऑफ द ईयर द पॉन्ड्स हैव मोर वाटर, कब होता है, जब भी तालाब में पानी भरता है कब भरता है, रेनी सीजन्स के समय, ठीक है। इज द वाटर ऑफ डिफरेंट पॉन्ड यूज फॉर डिफरेंट, अलग अलग पर्पज में यूज होता है, ठीक है। अगर साफ पानी हो तो आप पीने में, नहाने में, ठीक है, आप वॉशिंग में, वगैरह सब में यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो आज के लिए नहीं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की
बहुत ही अच्छा चीज़ है, इस पर क्वेश्चन बेस भी आता है, ऐसे पिक्चर बनी जाएगी, फिर क्वेश्चन स्किल्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए बोर्ड क्लास है तो कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिक फ्रेम भी होते हैं, तो क्रैमिंग नहीं करनी है, एक अंडरस्टैंड करना है, टॉपिक समझना है कि क्या होता है, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसको हार्वेस्ट कर रहे हो आप, इसको बचा के रख रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, ठीक है। अब छत के ऊपर पानी गिर ही रहा है तो वेस्टेज होता है नीचे पाइप के थ्रू, अच्छा पाइपलाइन लगा कि इसको स्टोर कर दिया तो वाटर यूज हो गया, एक बार रूफ क्लीन करके यूज कर सकते हैं वाटर को, क्लियर। सो थैंक यू, होप यू लाइक दैट, आज के लिए इतना ही।